वेलकम टू माइनिंग स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे माइन रूल 1955 के चैप्टर सेकंड, जिसका टॉपिक है कमेटी। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट मॉक प्रैक्टिस करेंगे। द रेम्यूनरेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल बी फिक्स बाय। समिति के सदस्यों के लिए पारिश्रमिक मानदेय किसके द्वारा तय किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी के सदस्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ इंस्पेक्टर शैल बी एक्ट एज थे। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस काम के लिए नामित खान निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, सेक्रेटरी टू द कमेटी। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर ऑफ माइन जो कि कमेटी का सेक्रेटरी का काम करेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन में रिजाइन द ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू थी। अध्यक्ष के अलावा कोई अन्य सदस्य को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में पद से इस्तीफा दे सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, चेयरमैन। चेयरमैन को छोड़कर कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, द चेयरमैन में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू दी। चेयरमैन को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि चेयरमैन रिजाइन देना चाहे तो केंद्र सरकार को संबोधित त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, इफ अ मेंबर ऑफ द कमेटी इंटेंड्स टू बी अब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन ही शैल टेंडर हिज रेजिग्नेशन। यदि समिति का कोई सदस्य से अधिक अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहने का इरादा रखता है तो वह अपना इस्तीफा दे देगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 6 months। यदि कमेटी का कोई सदस्य 6 महीने से अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहना है तो वह अपना त्याग पत्र दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, द चेयरमैन शैल इन्फॉर्म द एज सून एज अ वैकेंसी ऑकर इन द मेंबरशिप ऑफ द कमेटी बाय द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ मेंबर। सदस्य के त्याग पत्र या मृत्यु से समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर चेयरमैन द्वारा को सूचित किया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी के किसी सदस्य के पद त्याग या मृत्यु के कारण कोई जगह खाली होती है तो अध्यक्ष इसकी सूचना तुरंत केंद्र सरकार को देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, द कमेटी शैल मीट एट सच प्लेसेस एंड टाइम्स एज मे बी अपॉइंटेड बाय दी। कमेटी की मीटिंग द्वारा नियत स्थान और समय पर होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, चेयरमैन। कमेटी की मीटिंग चेयरमैन द्वारा नियत स्थान और समय पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द सेक्रेटरी टू द कमेटी शैल गिव एटलीस्ट नोटिस टू एवरी मेंबर ऑफ कमेटी प्रेजेंट इन इंडिया। कमेटी का सेक्रेटरी भारत में उपस्थित कमेटी के हर सदस्य को मीटिंग के लिए नियत समय और स्थान की सूचना कम से कम दिन पूर्व देगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 14 days। कमेटी का सेक्रेटरी भारत में उपस्थित कमेटी के हर सदस्य को मीटिंग के लिए नियत समय और स्थान की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, एजेंडा ऑफ बिजनेस टू बी डिस्पोज ऑफ एट दैट मीटिंग नॉट लेस देन डेज बिफोर द मीटिंग शैल सेंड टू दी एवरी सच मेंबर ऑफ कमेटी। बैठक के कम से कम दिन पहले उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य का एजेंडा कमेटी के ऐसे प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य का एजेंडा कमेटी के ऐसे प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, व्हेन एन इमरजेंट मीटिंग इज कॉल्ड एटलीस्ट हाउ मेनी क्लियर डेज बिफोर नोटिस शैल बी गिवेन। जब कोई आपात मीटिंग बुलाई जाती है तो कम से कम कितने स्पष्ट दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 2। जब कोई आपात मीटिंग बुलाई जाए तो उसके लिए कम से कम 7-2 दिन पहले सूचना देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ द कमेटी अनलेस एटलीस्ट मेंबर्स आर प्रेजेंट इंक्लूडिंग चेयरमैन। कमेटी की मीटिंग में कोई भी कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि
चेयरमैन सहित कम से कम सदस्य उपस्थित न हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, फोर। कमेटी की किसी भी मीटिंग में कोई कामकाज तब तक संपादित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्य उपस्थित न हों।